झीरम घाटी की घटना की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने और बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस नेताओं ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार कुछ दिनों से झीरम घाटी की घटना पर बीजेपी की ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। जांच आयोग की ओर से राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई, जबकि आयोग की ओर से जांच के लिए और समय मांगा गया था। तो क्या जांच पूरी हुई है या अधूरी है, ये सवाल है। जांच रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया, तो वो जांच पूरा करके सौंपा गया, अधूरा जांच सौंपा गया, ये तो जांच रिपोर्ट में था, पर समाचार पत्रों से ये मालूम हुआ। तो उसको जब बातें आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें जब कार्यकाल बढ़ाने के लिए कहा गया है, हमने विधि विभाग को भेजा हुआ है, तो फिर जाँच रिपोर्ट जो पेश की गई है वो अधूरा है कि पूरा है? नियमानुसार सामान्य परिपाटी रही है, आयोग का गठन सरकार करता है, तो सरकार को ही रिपोर्ट दिया जाता है। उसके विपरीत पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया गया, इस पर ही चर्चाएं हुई थी, और बीजेपी के द्वारा लगातार ये बात कहा जा रहा है कि क्यों डर रहे हैं, रिपोर्ट आया नहीं आया। डरने का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग के रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, सबमिट का अर्थ है आशय तथा कथित रूप से सबमिट होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ये सोचने लगी कि उनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है। दिल्ली से परम आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आती हैं, डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल जी कौशिक ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस आयोग की रिपोर्ट में जो बातें हैं उसको हम कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस झीरम में हमने अपने 32 नेताओं को खोया, हम वहाँ कुछ छिपाना नहीं चाहते।